अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ खरबूजा शेक की रेसिपी। तो बहुत ही टेस्टी बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रमज़ान में। और बहुत इजी है इसको बनाना, माशाल्लाह से दिखने में भी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये, और पीने में भी उतना ही यमी था। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए, मैंने इसको ऊपर से कट करके स्ट्रॉ लगा दिया था इसमें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एक खरबूजा ले लिया था मैंने मीडियम साइज़ का, इसको ऊपर से अच्छे से वॉश कर लेना है हमको और फिर कट करना है। तो ये देखिए, थोड़ा सा ही ऊपर ऊपर का पार्ट मैंने एकदम बराबर से परफेक्ट गोल साइज़ का ही कट किया था, ताकि जो हम इसके अंदर फील करेंगे सब वो प्रॉपर से भर जाए अच्छे से और दिखने में भी खूबसूरत लगे। तो ये देखिए, बराबर से मैंने कट कर लिया है। जो अंदर का पार्ट है वो हम चाकू से निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा मैंने चाकू से कट कर लिया था, उसके बाद चम्मच से निकाल लिया था, क्योंकि अगर चाकू से अगर मैं पूरा निकालूंगी तो साइड से कहीं से कट ना लग जाए, इसलिए मैंने चम्मच से निकाला था। पूरा अंदर का जो है खरबूजे के अंदर का पूरा सब हमको निकाल लेना है और साइड में रख लेना है। उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस रेसिपी को। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साइड में जो घंटी का बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये देखिए, पूरा ऐसे मैंने निकाल लिया है, इसको पूरा क्लीन कर लिया अंदर से। और ये जब पूरा जो पार्ट्स है वो सब मैं साइड में कर लूँगी, और बीन्स नहीं डालने हैं, बीन्स को मैंने पूरे साइड कर लिए थे। जो खरबूजे के पार्ट्स है वो ही लेंगे, पूरा नहीं लेंगे, और बारीक बारीक कट कर लिया था और थोड़े से पीस मैंने रख लिए थे, ऐसे ही डाले थे। और बाकी वाले जो थे थोड़े यानी के 2-3 चम्मच रखे थे मैंने साइड में, और बाकी के जो थे पीस वो मैंने एक मिक्सी में ले लिए हैं। और इसमें थोड़ी शक्कर डाल देंगे, क्योंकि खरबूजा ज़्यादा मीठा नहीं रहता है, इसलिए शक्कर डालना ज़रूरी है। अगर आपको शक्कर का यूज़ नहीं करना है तो शहद डाल देना। और उसके बाद मैंने इसमें दूध डाला था, तो दूध मैंने आधा गिलास ही डाला था, क्योंकि खरबूजे की साइज़ बहुत बड़ी नहीं थी, छोटी साइज़ की थी मेरे पास खरबूजा। उसके बाद दूध डाल के मिक्सी चला लेना है और इसको पीस लेना है अच्छे से। तो शक्कर अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। तो ये देखिए हो गया है, ये कुछ ऐसे हो गया था इसका टेक्सचर, ये देखिए। तो मैंने इसको निकाल लूँगी, फिर मैं साइड में कर लूँगी। और थोड़े से मैंने इस ड्राई फ्रूट कट करके ले लिए थे, काजू बादाम और पिस्ता बारीक बारीक कट करके ले लिए थे। और आप आइसक्रीम का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे पास व्हिप क्रीम थी तो मैंने उसका यूज़ कर लिया, या तो आप फ्रेश क्रीम भी डाल देना, टेस्ट अच्छा आएगा इससे। तो ये देखिए, मैंने व्हिप क्रीम डाली थी, या आप आइसक्रीम हो आपके पास तो वो डाल देना, मेरे पास नहीं थी, मैंने इसीलिए व्हिप क्रीम का यूज़ कर लिया है। और इसको फ्रिज में रख के मत यूज़ करना, थोड़ी देर ही रखना, ज़्यादा देर मत रखना, नहीं तो थोड़ा कड़वा हो जाएगा ये। और ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैंने 2-3 चम्मच खरबूजा कट करके रख लिया था, वो डाल दिया है इसमें। और थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दूँगी मैं इसमें, और थोड़ा सा ऊपर से और डाला है। तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस रेसिपी को। तो ये देखिए, थोड़ा सा ही मैंने इसमें डाला है शेक जो हमने पीसे थे मिक्सी में वो, और थोड़े खरबूजे के पीसेस डाले थे मैंने। उससे क्या होगा, जो हम खाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। और ये देखिए, मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट कट करके डाल दिया है, और थोड़ा सा ऊपर से फिट बच गया था तो मैंने और शेक डाल दिया है। और स्ट्रॉ मैंने ऐसे नहीं रखा था, जो खरबूजे का पार्ट्स है छोटा वाला उसको मैंने कट कर लिया था चाकू से, और उसके अंदर स्ट्रॉ लगाया था। तो आप इसको चम्मच से भी खा सकते हो, या तो स्ट्रॉ लगा देना, बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और क्योंकि समर सीज़न भी है, गर्मी भी बहुत है, तो आप ज़रूर ट्राई कर लेना, बहुत ही अच्छा लगता है। रमज़ान स्पेशल और भी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, मैंने एक सीरीज़ टाइप तैयार की है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो रमज़ान के लिए आपको मिलने वाली है। बहुत इजी है रेसिपी, मैंने सब तैयार की है तो वो आपको मिलेगी मेरे चैनल पे। तो नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना मेरी इस रेसिपी को, ताकि और भी लोग देख सकें। तो ये देखिए कितना माशाल्लाह से प्यारा लग रहा है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
मैं आपसे मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।